प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिरसा में जनसभा को संबोधित किया। संबोधित करते हुए कहा कि बाबा अंबेडकर के बनाए संविधान में जिसे अस्थाई कहा था वो 70 साल तक चलता रहा, अब कैलेंडर वो तय नहीं करेंगे। दुश्मन देश में से तारीखें तय नहीं होंगी, अब तारीखें हिंदुस्तान तय करेगा, अब नीतियां हिंदुस्तान और कश्मीर के लोग बनाएंगे। दुश्मन देशों में बैठे हुए लोग भारत का भाग्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इस तरह से पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। आप भी देखिए क्या कहा पीएम मोदी ने। जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोग मरते रहे, हरियाणा सहित पूरे भारत के वीर कश्मीर की हिफाजत के लिए, वहां के नागरिकों की जिंदगी बचाने के लिए अपने आप को बलिदान देते रहे, शहीद होते रहे। बेटियां, दलित समाज, वंचित समाज, शोषित समाज, आदिवासी समाज, गुजर बकरवाल, पहाड़ी, ये सारे के सारे लोग बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया था उस संविधान के हक से भी वंचित रह गए। 70 साल हो गए बाबा साहब अंबेडकर का संविधान वहां लागू नहीं हो पाया। आज जब भाजपा की सरकार ने इन बंधनों से मुक्ति, इस अन्याय से मुक्ति, इस जुल्म से मुक्ति की तरफ एक सार्थक कदम उठाया है, तो कांग्रेस के नेता उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, मोर्चे बंद कर रही है। और कांग्रेस के साथी भी ऐसे ही है। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर हमसे दूर नहीं है। दिल्ली में सोई हुई सरकार ने एक के बाद एक कश्मीर के हालत कैसे बिगाड़ती चली गई। प्रारंभ के दिनों में पाकिस्तान की मदद से हमारा कुछ हिस्सा छीन लिया गया, पीओके बन गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया। उसके कुछ सालों के बाद योजनाबद्ध तरीके से भारत, जिसका गौरवगान करता है, दुनिया को सही रास्ते पर ले जाने के लिए जो परंपराएं हमारे यहां विकसित हुई, और कश्मीर जिसके लिए जाना जाता था सूफी परंपरा, बड़ी चतुराई से, चालाकी से, दमन से पहले सूफी परंपरा का खात्मा कर दिया गया, सूफी सोच को दफना दिया गया। एक के बाद एक कदम, पहले कुछ हिस्सा पाकिस्तान के हवाले कर दिया, सोते रहे, फिर सूफी परंपरा को मार करके, दफना करके कश्मीर की जड़ों को हिला दिया गया। कश्मीर की जड़ों में सूफी परंपरा थी, जो एकता का, भाईचारे का, सद्भाव का, संभाव का संदेश देती थी, उसे तबाह कर दिया गया। और धीरे धीरे और कदम आगे बढ़ते चले गए, फिर भी
दिल्ली के अंदर बैठे हुए राजनेताओं को इतना बड़ा जुल्म हो रहा है वो दिखाई नहीं दिया। उनको तो लगा कि एक दो परिवारों को संभालो कश्मीर संभल जाएगा, एक दो परिवारों को जो चाहे करने दो कश्मीर संभल जाएगा, एक दो परिवारों को मनमानी करने दो, लूटना है तो लूटने दो, जनता की बर्बादी होती है तो होने दो, कश्मीर संभल जाएगा, यही कारनामे चलते रहे। फिर एक साल ऐसा भी आया, पहले कुछ हिस्सा गया, फिर सूफी परंपरा गई, फिर जम्मू के साथ लद्दाख के साथ भेदभाव का सिलसिला चलाया गया, लगातार जम्मू के साथ अन्याय, लगातार लद्दाख के साथ अन्याय, लगातार करगिल के साथ अन्याय, भेद रेखाएं खींची गई, समाज को बिखराव की तरफ धकेल दिया गया। फिर एक चाल चली गई और उस चाल के तहत वो तबका आया जब कश्मीर की धरती से 4 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों के परिवारों को मौत के घाट उतारना, बेटियों पे बलात्कार करना, उनको कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। एक के बाद एक कदम देखिए, और फिर बम बंदूक और पिस्तौल के जोर पर पाकिस्तान से भेजे गए टेररिस्टों के बल पर, अलगाववाद के नाम पर, और हर बार धारा 370 दिखा दिखा करके दिल्ली को भी डराया गया, देश की एकता और अखंडता के ऊपर खतरा है, ऐसा माहौल बना दिया गया। और दिल्ली में बैठे हुए लोग सब कुछ आंख मूंद करके बैठे रहे, कश्मीर तबाह होता चला गया। टेररिस्ट तय करते थे, अलगाववादी तय करते थे, सोमवार को क्या होगा, मंगलवार को क्या होगा, जनवरी में क्या होगा, फरवरी में क्या होगा, अक्टूबर में क्या होगा, नवंबर में क्या होगा, सारा कैलेंडर आतंकवादी तय करते थे, अलगाववादी तय करते थे, देश के दुश्मन पड़ोस में से इशारा करते थे और यहां पर नाचने वाले खेल खेलते थे। भाइयों, ये सब चलता रहा और देश के वीर जवान शहीद होते रहे, तिरंगे झंडे को जूतों के नीचे रौंद दिया जाता था, तिरंगे झंडे को आग लगा दी जाती थी और सब कुछ चल रहा था। आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या ऐसे ही चलने देना चाहिए क्या? पूरी ताकत से बताइए, क्या ऐसे ही चलने देना चाहिए क्या? क्या दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए कश्मीर को तबाह होने देना चाहिए क्या? क्या कश्मीर ज्यादा प्यारा होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का पद ज्यादा प्यारा होना चाहिए? हर हिंदुस्तानी का एक ही जवाब होता है, अरे प्रधानमंत्री के पद तो आते हैं जाते हैं, मेरा कश्मीर रहना चाहिए, मेरी कश्मीर के लोग रहने चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, और इसलिए अब कैलेंडर वो तय नहीं करेंगे, दुश्मन देश में से तारीखें तय नहीं होगी, अब तारीखें हिंदुस्तान तय करेगा। हम नीतियां हिंदुस्तान बनाएगा, नीतियां कश्मीर के लोग बनाएंगे, दुश्मन देशों में बैठे हुए लोग भारत का भाग्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। वो वक्त चला गया,
देश बदल चुका है। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस की गलत नीति और रणनीति ने देश को तबाह करके रख दिया, और तब जाकर के संविधान में बाबा साहब आंबेडकर ने जिसे टेम्पररी कहा था, टेम्पररी, भाई मुझे बताइए टेम्पररी कितने साल रहता है? दो महीने, चार महीने, साल, दो साल। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।